तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह की फोटो रीडिंग सिखाने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों आप लोग यह देख ही सकते हो। गाइस इस तरह की फोटो रीडिंग अगर आपको भी करना है तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए बिना लास्ट तक एक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप ही को देखने को मिले। सो चले अब ज्यादा बात के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए फोटो में एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस ऐप के मदद से बहुत ही अच्छे में फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी इस ऐप को यूज करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्टार्ट फ्रॉम फोटो नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपना फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ से आप लोग अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों का फोटो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन इधर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग ऊपर इस ऑप्शन पर इधर से क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो जो PNG में सेव हो जाएगा, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग बैक आना है इधर से। एंड बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग इस ऑप्शन पर इधर से क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्टार्ट फ्रॉम फोटो नाम का ऑप्शन के ऊपर आप लोग फिर से क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग सेम टू सेम वही तरीके में दूसरा फोटो का बैकग्राउंड को भी रिमूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी रिमूव कर लेता हूँ दूसरा फोटो का बैकग्राउंड को। सो गाइस अभी हमारे दो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होकर गैलरी में सब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो पिक्सआर्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग नीचे यहाँ पर आप लोग प्लस का आइकन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग एडिटेड फोटो नाम का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग इस वाले बैकग्राउंड को इधर से सिलेक्ट कर लेना, और इसका लिंक मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जगह डाउनलोड कर लेना। बाद दोस्तों यहाँ से एट फर्स्ट आपको चल जाना है एड फोटो का ऑप्शन में, ठीक है। तो ये रहा एड फोटो का ऑप्शन, तो इधर पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपना एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना इधर से। तो मैं यहाँ पर अभी इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों का लेना इसे ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपना फोटो को जूम कर लेना है इधर पे, आप लोगों को मिडल पे इसे रखना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अभी यही रखता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इरेजर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये रहा इरेजर का ऑप्शन, तो इधर पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इरेज पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर इसका हार्डनेस को रखना है आप लोगों को 29 के आसपास, और इधर पर आप लोग इसका ऑपोसिटी को भी कम कर देना है, यहाँ पर 31 तक रखना है, और यहाँ पर आप लोग साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फोटो को जूम कर लेना है, और आप लोगों को नीचे वाला पार्ट को कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है, जैसे कि दोस्तों मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फिर से इरेज पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग ऑपोजिट को और भी कम कर देना है, और हार्डनेस को भी कम कर देना है, ठीक है, आप लोग 8 तक रखना है दोनों को ही। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोग वही तरीके में इस तरह से इरेज कर लेना है इसे। सो गाइस इधर पर आप लोग देख सकते हो तो इरेज हो चुका है, ठीक है। देन दोस्तों ऐसे आप लोग कर देना है डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों फिर से ऐसे आप लोग डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोग ऐड फोटो में चला जाना है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग दूसरा फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे आप लोगों का लेना है ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इसे आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी यही रखता हूँ। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग कर देना है इसे डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों इधर से अभी आप लोगों को चले जाना है ड्रॉ टूल में, तो ये रहा ड्रॉ टूल का ऑप्शन, तो इधर पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग इस ब्रश को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग साइज को फुल कर देना है, ठीक है, और कलर को इधर पे आप लोग ब्लैक ही रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेना है स्क्रीन के ऊपर। एंड ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से इस ऑप्शन पर इधर से क्लिक कर देना है लेयर वाला ऑप्शन में, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन इधर पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे आप लोग कर लेना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग इस पेज को यहाँ पर आप लोग नीचे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी करने, तो यहाँ पर ये सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग कर देने इसे डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑपोजिट को माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस करके इधर पर आप लोग रखना है 40 के आसपास, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग डन कर देना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग फिर से एक बार ऐड फोटो का ऑप्शन में चला जाना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग इस राउडी PNG की तरह से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस आप लोग कर लेना इसे ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसका ब्लेंड मोड का आप लोग कर लेना है स्क्रीन, ठीक है। तो ये रहा ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो इधर पर आप लोग क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग कर लेना इसे स्क्रीन। एंड स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आप लोग एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देना है, ठीक है, 100 तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग डन कर देना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इस PNG को आप लोग नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो ना फोटो जो अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है।
उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना फोटो को सेव करने के लिए इधर पर आप लोग सेव का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो जो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो आप लोग कैसा लगेगा कमेंट में बता देना। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलता है अगले कोई वीडियो में।